और इस बीच बड़ी खबर, रायपुर में 21 सितंबर से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। एक हफ्ते तक रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना को देखते हुए प्रशासन का ये फैसला है, जिसको लेकर के अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि संपूर्ण रूप से लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में हो सकता है, लेकिन रायपुर में 21 सितंबर से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी अब कर दी गई है। तो कोरोना को देखते हुए प्रशासन का फैसला, जिसमें एक हफ्ते तक रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ परा सवता सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ी है। सुप्रिया, संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया गया है, क्या क्या गाइडलाइन इसमें रह सकती है इस लॉकडाउन में? जी बिल्कुल, इस बार जो है संपूर्ण लॉकडाउन 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर तक होगा। इसके साथ ही इस बार पहले के लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्ती इस बार के लॉकडाउन में बरती जाएगी। सिर्फ पेट्रोल पंप, मेडिकल की दुकानें और दूध ही जो है वो खुले रहेंगे। दूध के लिए 1.5 घंटे सुबह शाम का समय दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी अब आम जनता के लिए बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी गाड़ियां और एम्बुलेंस को ही पेट्रोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही आम जनता के लिए पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया गया है। सभी व्यवसाय भी बंद कर दिए गए हैं। दूध के लिए 1.5 घंटे का समय दिया गया है। और इसके साथ ही पहले जैसे लॉकडाउन होता था तो सब्जी और फल की दुकानें या किराना दुकानें है वो खोली जाती थी, लेकिन अब ऐसा कोई भी सुविधा जो है आम जनता को नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ ही कलेक्टर ने आम जनता से अपील भी की है कि 2 दिनों तक जो बाजार खुले रहेंगे उसमें आप एक हफ्ते का जो सामान है वो आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सामान नहीं मिलेंगे। एक हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा, इसलिए इस बार जो है काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है लॉकडाउन में। और इस बार सिर्फ सख्ती जरूरी है भी, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया।